हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका के गार्डन में फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है जो मैं अभी लेके आई हूँ कुछ दिनों पहले। और मैं इसे एक ये है, दो ये रखे हैं, इसमें ये तीन रेड सॉइल में है और एक आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी ब्लैक सॉइल, वो चिकनी मिट्टी है, क्ले सॉइल है। तो दोस्तों, आज हम इन प्लांट्स को रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनकी रूट बॉल को हटाऊंगी क्योंकि इनकी रूट्स में एक जो एक ब्लैक कलर की बास्केट होती है वो लगी हुई होती है। तो हमें इन्हें, जैसे मेरे यहाँ भी जस्ट बारिश हुई है और बंद हुई है, तो मुझे ये सबसे अच्छा टाइम लगा इनको रिपोर्ट करने का। तो सबसे पहले मैं इनकी ये मिट्टी यहाँ से हटा लूँगी। यदि आपकी मिट्टी सख्त है और हट नहीं रही है ईजीली, तो आपको अपने रूट बॉल को गीला करना है और फिर उसको हटाना है, क्योंकि इसकी ये काफ़ी गीली है। तो मैं इसको हटाऊंगी। एक ये है, ये तो बिल्कुल ही ढीली हो चुकी है और ये एक पॉट में लगा हुआ प्लांट है तो काफ़ी इसकी रूट बॉल ढीली है। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर ये बास्केट लगी हुई है। एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से ये मैं इसकी रूट्स को हटा रही हूँ। तो देखिए, इसमें तीन प्लांट एक ही पॉट में लगे हुए थे, हमें तीन बास्केट मिली है। तो सबसे पहले मैं इनको बास्केट को हटाऊंगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें करना क्या है कि आपको जो रेड सॉइल है, क्योंकि मैं तो रेड सॉइल को ब्लैक सॉइल में मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि रेड सॉइल जो होती है वो आयरन से भरपूर होती है और वो ब्लैक सॉइल में मिलकर उसको और न्यूट्रिशन से भरपूर कर देती है। तो इसलिए मैं अपनी रेड सॉइल को ऐसे वाली रूट बॉइल से हटा दूँ बट अपनी ब्लैक सॉइल में मिक्स कर लेती हूँ। यदि आपको लगे तो आप भी मिक्स करके देखिएगा, आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। और फिर उसके बाद मैं ये नेट को हटा दूँगी और उसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। तो पहले मैं ये अपना काम कर लूँ। तो दोस्तों, मैंने सभी रूट बॉल्स को हटा लिया है और जो बास्केट वाले प्लांट थे उनको मैंने बकेट में डाल दिया है, पानी की बकेट में, ताकि उनकी जो एक्स्ट्रा सॉइल है वो भी उसमें से निकल जाए। और हमारा जो एक और प्लांट था जो ब्लैक सॉइल वाला था, वो मैंने ये निकाला है। इसमें चूँकि वो बास्केट नहीं है और सिंपली इसमें रेत लगी हुई है, प्लांट में कहीं भी कोई फंगस नहीं है, आपको फिटिंग रूट ईजीली दिख रहे होंगे। तो हम सबसे पहले इसको रिपोर्ट करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे रिपोर्ट करना है। मैंने जो मिक्सचर लिया है उसमें एक हिस्सा मिट्टी है, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट है और एक हिस्सा सैंड है। और जो रेड सॉइल भी आपको कहीं कहीं दिख रही होगी, क्योंकि जो रेड सॉइल आती है वो भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि रेड सॉइल जो रहती है वो आयरन से भरपूर होती है और हिबिस्कस रोज़ को आयरन वाली रिच ऑर्गन, आयरन वाली सॉइल पसंद होती है। तो मैं वो मिक्स कर देती हूँ साथ में, और वो मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रखती है क्योंकि वो पानी को, तो वो भी मैं इस तरीके से अपने पॉट में मिक्स करती रहती हूँ। तो दोस्तों, ये हमने वो मिक्स कर ली है। चूँकि अभी जस्ट बारिश बंद हुई है तो मिट्टी ऑलरेडी हमारी गीली ही है, तो हमें अब कुछ नहीं, इसमें सिंपली अपने प्लांट को इस तरीके से बिठाना है सेंटर में, और हम उस पर जो एक्स्ट्रा जो हमने सॉइल बाहर करी थी वो हम पूरी ही अपने प्लांट में ऐसे डाल देंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने अभी तक अपने प्लांट में इसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है। प्लांट शॉप में ना जाए इसके लिए मैं अपने प्लांट में, ये जो आप दिख रहे हैं ये एप्सम सॉल्ट है, तो ये एक लीटर का मग है और इसमें मैंने एक ग्राम के करीब एप्सम सॉल्ट डाला है और वही वाटर मैं अपने प्लांट को दूँगी। तो दोस्तों, अपने हिबिस्कस के प्लांट को
बेसिक तरीका यही है कि इस तरीके से आप रिपोर्ट करें, क्योंकि इस समय हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हमारे प्लांट को नहीं देना चाहिए। उससे हमारे प्लांट को ज़्यादा स्ट्रेस में जाने का खतरा बना रहता है, क्योंकि हमारे प्लांट की सारी रूट्स ओपन हो जाती है, जिससे उनको यदि हम केमिकल फर्टिलाइज़र या कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी देते हैं तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। और जो हमने एप्सम सॉल्ट डाला है वो हमारे प्लांट के स्ट्रेस को दूर करता है। और जैसे कि अभी मानसून का टाइम चल रहा है तो हम अपने प्लांट को बाहर इजीली रख सकते हैं, और यदि आपके यहाँ सनलाइट तेज हो तो आप अपने प्लांट को एक वीक के करीब, जब तक वो सेटल ना हो जाए, धूप में नहीं रखिए, सेमी शेड एरिए में रखिए जहाँ रोशनी तो हो मगर डायरेक्ट सनलाइट आपके प्लांट को ना मिलती हो, तभी आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा और बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, मैं बकेट से सारे प्लांट्स निकाल लाई हूँ, और ये देखिए कुछ में तो अभी भी बास्केट लगी हुई है, जिनको भी मैं रिमूव कर दूँगी। इस तरीके से आपको कैंची से कट कर कर के, टुकड़े कर कर के आपको अपनी बास्केट प्लांट की रिमूव करनी है, ताकि कोई भी आपकी रूट डैमेज ना हो। देखिए इस तरीके से इसका रूट बॉल निकलेगा, और आपको ये प्लांट को लगाना है बिल्कुल इस तरीके से, उसकी सारी सॉइल हटाकर। सॉइल तो मैं इसलिए हटाती हूँ क्योंकि उसमें बास्केट लगी होती है, और यदि बिना बास्केट का प्लांट है आपको चेक जरूर करना पड़ेगा, तो आप उसकी हल्की सी सॉइल हटाइए और अपने प्लांट को इस रेड सॉइल सहित ही लगाइए। आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि मेरे सारे रोजेज़ जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं रेड सॉइल में लगे हुए हैं और पूरे मतलब ब्लूमिंग कर रहे हैं। उनमें किसी भी प्रकार का ना ही कोई फंगस लगता है, ना ही किसी प्रकार की उनमें कोई बीमारी आती है। तो दोस्तों, मैंने ये सारा निकाल लिया है, अब मैं सबसे पहले इस प्लांट को इधर सेंटर में रख दूँगी, और वही मिक्सचर है सिंपली, एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा वर्मी कंपोस। इसमें मैं काऊ डंग मिक्स करना ठीक नहीं समझती हूँ, क्योंकि काऊ डंग कंपोस में कई बार फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए वर्मी कंपोस और एक हिस्सा सैंड इसमें मैंने मिक्स किया है। आपको ऐसा लगता है कि आपका प्लांट अनहेल्दी है या उसमें किसी प्रकार का कोई फंगस लगा है, तो आप उसमें एक ग्राम के करीब अपना फंजीसाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके सिवा कोई तीसरी में चीज़ में प्लांट में यूज़ नहीं करना है। और प्लांट को रिपोर्टिंग करते समय हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारा वेदर बहुत फेवरेबल हो प्लांट के लिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमारे यहाँ बारिशें अभी हो के ही बंद हुई है, और मैंने सबसे पहला काम यही किया कि अपने हिबिस्कस को रिपोर्ट करने का। तो इस प्रकार का आपके यहाँ वेदर हो तभी आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कीजिए, अदरवाइज़ उसको अवॉइड कीजिए रिपोर्ट करना। रिपोर्ट करने के बाद सबसे ख़ास बात कि आप उसको डायरेक्टली सनलाइट में ना रखें। बारिश हो रही हो तो ठीक है, बारिश नहीं हो रही हो तो फिर आप अपने प्लांट को शेडी एरिया में रखें एक वीक तक। तो इस तरीके से आपको प्लांट लगाना है। एक्चुअली मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हूँ और एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, तो मैं इसको पकड़ नहीं पा रही हूँ। पहले मैं सारी मिट्टी इसमें डाल देती हूँ। तो दोस्तों, रिपोर्टिंग का सबसे बेस्ट टाइम इवनिंग में ही होता है, इवनिंग में रिपोर्ट कीजिए। यदि बारिश हो रही है, बादल आए हुए हैं, तो आप दोपहर के समय में भी अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये आपको इस तरीके से इसको खड़ा करना है, और चारों तरफ से आपको हल्का सा प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देना है कि जिससे उनकी जड़ें दब जाएं। वो जितनी खुली खुला महसूस करेंगी उतनी जल्दी ग्रोथ करेंगी। वैसे भी हम एयर पॉकेट की बात करें तो हम जैसे ही वॉटरिंग करते हैं तो हमने कई बार देखा कि बुलबुले उठते हैं तो उसमें सारी एयर निकल जाती है। तो ये हमने इस तरीके से ये प्लांट को लगा लिया है। बास्केट को रिमूव करते आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका प्लांट डैमेज ना हो, उसके रूट्स डैमेज ना हो। और हमने अब क्या किया है, ये एक लीटर पानी में हमने ये एप्सम सॉल्ट मिक्स किया है, और हम इसी को डालेंगे क्योंकि हमारी मिट्टी ऑलरेडी गीली है, तो हम ये एक मग्दा हम प्लांट को डाल देंगे ताकि हमारा प्लांट शॉक में ना जाए। इसके अलावा हम कोई चीज़ नहीं डालेंगे। हम जब तक पानी सेकंड बार वाटरिंग नहीं करेंगे, जब तक कि हमारा पानी मतलब मिट्टी ऊपर की ड्राई ना हो जाए। ज़्यादा वाटरिंग से हमारे प्लांट की जड़ें गलने का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये हमने प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है,
यही एक सिंपल ही मेथड है। या आप हर प्लांट के लिए आप ये मेथड को यूज़ करेंगे तो आपके कोई भी प्लांट कभी भी नहीं मरेंगे और अच्छे से वो ग्रोथ पकड़ लेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अब मैं जल्दी से अदर प्लांट रिपोर्ट कर दूँ क्योंकि बारिशें फिर से स्टार्ट हो गई है। ओके फ्रेंड्स, बाय।